हेलो एवरीवन, लेके आ रहे हैं आज फिर से एक न्यू ब्लॉग। और बहुत दिनों बाद आज वीडियो लेके आ रहे हैं क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब थी भाई साहब। यहाँ सुई पीछे सुई, इतनी सुई दे रखा कि हम जो बता नहीं सकते। वैसे अब तो ठीक हो गए हम पूरी तरीक़े से, थोड़ी सी बची है अब ठीक होने के लिए, बाकी पूरा ठीक हो चुके हैं। आज तीसरा दिन है, 3 दिन से नहाए नहीं है, 3 दिन से चावल नहीं खाए, 3 दिन से ठंडा पानी नहीं पिए। गर्मी से ऐसा लग रहा माथा फट रहा है। बुखार सर्दी तो है नहीं, आवाज़ लेकिन थोड़ा भारी है। तो सुबह किसी चीज़ के पता नहीं चलता, सैनिटाइजर के भी नहीं, कपूर का तेल का किसी चीज़ का सेंट नहीं आता। खाने में तो टेस्ट थोड़ा थोड़ा आता है बस। मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती, डॉक्टर ने बोला चावल नहीं खाने, चावल खा लिए थे। ठंडा पानी नहीं पीने, फ्रिज का पानी ज़्यादा रात में दे रहे थे तो थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई, बाकी सब ठीक है, कोशिश से ठीक हो जाएंगे। बस थोड़ा सा सीने में खांसी होती तो दर्द होता, नहीं तो नॉर्मल ठीक। अभी 2 सुई और बची है, दोनों सुई के बाद पूरा डोज कम्प्लीट हो जाएगा। 4 दिन हो गए बीमार हुए अब, लेकिन कल से थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, अब थोड़ी सही लग रही है, अब कोई दिक्कत नहीं बुझा रहा। वैसे तो टैबलेट अभी भी है, 2-3 बची हुए, तो पूरा ले लेने के बाद टेंशन हो जाएगा। देखो ना तो मैं बुखार आया और ना ही मुझे खांसी हुई बिल्कुल, तो सर्दी हुई बस। सर्दी के कारण किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती थी, उसके बाद दवाई कराने के बाद अब सब चीज़ सही हो गया, बस स्मेल स्मेल आने लगी है, अब कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 घंटे हो गए लाइन नहीं आया है, पसीना पसीना हो गए हैं हम।